हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करेंगे कपलिंग रॉड ऑफ लोकोमोटिव इंजन। ये है क्या? इट इज़ अ इन्वर्जन ऑफ फोर बार चेन मैकेनिज्म। इन्वर्जन ऑफ फोर बार चेन मैकेनिज्म होता क्या है ये? इसमें चार लिंक होंगी प्लस चार पेयर होंगे। ये जो पेयर होंगे ये सभी लोअर पेयर होंगे, जहाँ पर लोअर पेयर में क्या होता है, एरिया और सरफेस कॉन्टैक्ट। ठीक है, एरिया और सरफेस कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये दूसरा इन्वर्जन है फोर बार चेन मैकेनिज्म का। तो इसमें होता क्या है, इसका यूजेस क्या है, और इससे हम कौन किस टाइप के मोशन को ट्रांसमिट करते हैं, इस चीज़ को हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका एक बेसिक डायग्राम यहाँ पे बनाऊंगा, और इसका यूज़ कहाँ करते हैं इसको सभी बच्चों ने देख रखा होगा, क्योंकि हम सब ने ट्रेन से सफ़र किया है। और ट्रेन से सफ़र किया है तो ट्रेन में आपने नीचे वाला जो पोर्शन है, जो व्हील वाला जो पोर्शन है जिससे ट्रेन जो है आगे बढ़ती है, वो देख रखा है। उसका जो व्हील है आपने देखा होगा, नंबर ऑफ व्हील्स होते हैं, और उन सब नंबर ऑफ व्हील्स का कनेक्शन, एक व्हील का दूसरे व्हील से, दूसरे व्हील का तीसरे व्हील से कनेक्शन होता है। तो ये वही चीज़ है, मैं यहाँ पर सिर्फ दो व्हील्स जो हैं उनको ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको हम डबल क्रैंक मैकेनिज्म भी बोलते हैं। इसको डबल क्रैंक मैकेनिज्म क्यों बोलते हैं, इस चीज़ को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक इंटरनल व्हील, एक उसके साथ अटैचमेंट है आउटरनल व्हील का। ठीक है, ये ए बी सी एंड डी फोर बार चेन मैकेनिज्म क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि फ्रेम वन लिंक, उसके बाद ये क्रैंक है, ये दूसरी लिंक, इसको बोलते हैं कपलर या कपलिंग रॉड। ठीक है, ये है हमारी तीसरी लिंक, और सेम टू सेम एक क्रैंक ये है, इसको बोलेंगे हम फोर। तो इसलिए ये जो है फोर बार मैकेनिज्म है, और सभी में लोअर पेयर है, मतलब टर्निंग पेयर ये जो है बना रहा है। ठीक है, तो इस फोर बार चेन मैकेनिज्म के अंदर होता क्या है, जब हम इसको मोशन देंगे, क्रैंक को मोशन देंगे, क्रैंक टू को, तो ये क्रैंक थ्री जो है ये भी आपको मोशन प्रोवाइड करेगा। मतलब इसके अंदर रोटरी टू रोटरी मोशन ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिटेड। ठीक है, तो इसका यूज़ मैंने बताया आपको कि जो रेल जो होते हैं, रेल के जो है ना व्हील जो होते हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। ये जो पार्ट है ये व्हील वाला पार्ट है ना दोनों, तो जब इसको मोशन देंगे तो ये घूमेगा, या ये मोशन ट्रांसमिट करेगा, ये इससे घूमेगा, इससे अगला व्हील अटैच्ड होगा, फिर वो घूमेगा, उससे अगला व्हील अटैच्ड होगा, तो नंबर ऑफ व्हील्स अटैच्ड होंगे। तो इस हिसाब से जो है ये ट्रेन जो है आगे बढ़ती जाती है, और इसका इस मैकेनिज्म का यूज़ वहाँ पर हम करते हैं, इसलिए इसको लोकोमोटिव इंजन्स में बोलते हैं कपलिंग रॉड। कपलिंग रॉड जो है ये क्या करता है, पावर को ट्रांसमिट करता है इससे इस पे और इससे इस पे। ठीक है, तो इसको डबल क्रैंक क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये छोटी लिंक है, दो छोटी लिंक है यहाँ पर जो कि क्रैंक का काम कर रही हैं, और जो कि आपको पूरा 360 डिग्री कंप्लीट रोटेशन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ याद रखना है, ए डी एंड बी सी आर इक्वल लेंथ, दोनों जो है वो इक्वल लेंथ का होगा, है ना। तो कभी कभी पूछ भी लेते हैं इस टाइप से क्वेश्चन, बेसिक से ये क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो इसलिए इनको आप नोट कीजिए। यूज़ कहाँ करते हैं, इट इज़ यूज्ड इन डीजल एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स। लोकोमोटिव्स मीन्स वही स्टीम इंजन्स जो होते हैं। ठीक है, इसका यूज जो है हम डीजल एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स में यूज करते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ इन्वर्जन। ठीक है, होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो इसमें आपको कुछ बेसिक से पॉइंट्स याद रखना है, मतलब इसमें फोर लिंक फोर पेयर होते हैं, लोअर पेयर होते हैं, है ना, इसमें दो क्रैंक का रोटेशन, कंप्लीट कंस्टेंट रोटेशन होता है इसके अंदर, रोटरी टू रोटरी मोशन मिलता है हमें। डीजल एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में इसका यूज़ करते हैं, इसको डबल क्रैंक मैकेनिज्म बोलते हैं। तो होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे व्हाट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म, जिसे हम डबल लीवर मैकेनिज्म भी बोलते हैं।
ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो लेक्चर को शेयर कीजिए और कमेंट्स करना ना भूलिए। अगर आप कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें वीडियो लेक्चर दूंगा। और जो बच्चे घर पर ही अगर गेट IAS PSC या अपने जो यूनिवर्सिटी सिलेबस उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये सफिशेंट डाटा है। हर एक चीज़ मैं इस पर अपलोड करूँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा आपको, 10 से 15 हज़ार ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे दूंगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ के वो एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। लेकिन आपको जुड़ना पड़ेगा मेरे साथ और दोस्तों को जोड़ना पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो कि बेस्ड होगा वॉट्स इंडिकेटर मैकेनिज्म, जो कि लास्ट इन्वर्जन होगा 4 बार चैन मैकेनिज्म का।